नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है। आज हम आम की खीर बनाएंगे। ठंडी ठंडी आम की खीर आपको बहुत पसंद आएगी, तो आइए शुरू करते हैं। आम की खीर बनाने के लिए हमने बर्तन में 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। हम इसे उबालेंगे। 8-10 काजू लिए हैं, इन्हें हम थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे। बादाम को इस तरीके से हम लंबाई में थोड़ा पतला पतला काटेंगे। दूध में उबाल आ गया है, चला देते हैं इसे। गैस धीमी कर देंगे। ये हमने 1/4 कप कच्चा चावल धोकर आधा घंटे भिगो कर ले लिया है और इसे लो मीडियम गैस पर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पकाएंगे। खीर हमें काफ़ी गाढ़ी दिखाई देने लगी है और इस तरीके से देखें तो चावल भी दूध के साथ चल रहे हैं। हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, काजू, बादाम, और खीर को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए और 4-5 मिनट पकने देंगे। खीर अच्छी गाढ़ी हो गई है, चावल और दूध पूरी तरह से मिल चुके हैं। हम इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे। चीनी अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर मिला देंगे और एकदम धीमी गैस पर खीर को और 1-2 मिनट पकने देंगे। चीनी घुल चुकी है खीर में, अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। खीर थोड़ी सी ठंडी हो गई है, आम का पल्प हम इसमें डालेंगे और अच्छे तरीके से मिला देंगे। ये 1/2 कप हमने आम के छोटे छोटे टुकड़े काट कर ले लिए हैं। मैंगो पल्प के लिए कोई भी ऐसे आम लिए जा सकते हैं जिसमें रेशे ना हो। तो ये हमारी अच्छी गाढ़ी आम की खीर तैयार हो गई है। गार्निश के लिए काजू, बादाम और आम के टुकड़े। आम की खीर सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी खीर बनी है, बड़ी आसानी से बन जाती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप खीर को पका रहे होंगे तब उसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें और चमचे को बर्तन के तले तक ले जाते हुए चलाएं। खीर बर्तन के तले में बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। अगर जरा भी खीर बर्तन के तले में लग गई तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप ये खीर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।